नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MS Advisor में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2018 का जो भी एग्जामिनेशन 9 दिसंबर को हुआ है तो उसमें क्या सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका क्या सही आंसर होगा वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने सीटेट 2018 का एग्जामिनेशन 9 दिसंबर को दिया था तो आपने आंसर की को यहाँ पे मैच कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए थे। यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि जितने भी सारे क्वेश्चन के आपको आंसर बताए जाएंगे ये सारे सही आंसर आपको यहां पे बताए जाएंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि फाइनल आंसर की के साथ जो है 1 से 2% का वेरिएशन हो सकता है। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि जो भी सीटेट 2018 के लिए 9 दिसंबर को एग्जाम दिए थे तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने आंसर की का मिलान कर सके, वो भी चेक कर सके कि वो कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर को देखते हैं। इसमें अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चंस यहां पे दिया गया है, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है समता और समान अवसर। तो इसका 4 नंबर जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया, तो किस वर्ष में ये अधिकार अधिनियम लागू किया गया दिव्यांग जन के लिए, तो वो आपको यहाँ पे बताना था। तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है 2016, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दिए गए हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहाँ शिक्षक, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिए गए थे कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम परिविधियों का प्रयोग करने में शिक्षित हों, तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, तो कितने से कितने वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को निर्धारित करता है वो आपको बताना है। जो भी यहाँ पे अधिकार अधिनियम 2009 में आए थे इसके हिसाब से आपको बताना था। तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 6 से 18 वर्ष तक के लिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है, तो किन चीजों से है वो आपको बताना था। तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, तो ये इसका सही आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश से अंत निहित है, तो यहां आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए संज्ञान, समायोजन, केंद्रीकरण, संज्ञा बोधन, तो इसका देखिए जो भी सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संज्ञा बोधन, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अमूर्त सोच, मूर्त सोच, प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रतिक्रियावादी सोच, ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है, तो नीचे आप ऑप्शन दे सकते हैं, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विभेदी अनुदेशन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे जो दिया गया है, प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है, तो नीचे आप ऑप्शन दे सकते हैं, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण, अधिग्रहण, अभिप्रेरण, तो इसका देखिए सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सामान्यीकरण। फिर अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया था, जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, तो इसके अनुसार से क्या होते हैं संज्ञान और भाव, तो वो आपको बताना था। तो इसका देखिए सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्वतंत्र होते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए हैं, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है, यानी कि शिक्षक किस विधि का प्रयोग कर रहा है वो आपको यहाँ पे बताना था। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, संशोधन, प्रतिरूपण, अनुकरण, अवलोकन, तो इसका देखिए सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रतिरूपण। फिर अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और उनके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, यानी कि किस तरह के व्यवहार को प्रस्तुत करता है वो आपको यहाँ पे बताना था। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, निवर्तमान, निरंकुश, चौकस, सतर्क, तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सतर्क। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर
कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं अमूर्त तार्किक सृजनात्मक सौंदर्य बोध। तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर दो यानी कि तार्किक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर दो यानी कि समसत्यात्मक प्रकार का कार्य। तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की परिविधि में अधिगम संबद्ध हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो किन संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं प्रत्यक्षीकरण अवलोकन गतिबोधक कर्णकोटर। तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर तीन यानी कि गतिबोधक, यानी कि गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिए गए यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों का अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो इसका देखिए सही देखिए आंसर जो होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो है मध्य वाय विकास के सिद्धांत को, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक जो दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो दिए गए हैं स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, यानी कि स्कूल बच्चों के लिए किस तरह की समाजीकरण की संस्था है जिसमें कि पहला ऑप्शन दिए गए हैं प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, दूसरा दिया गया है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, तीसरा दिया गया है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, चौथा दिया गया है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तो इसका देखिए सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर तीन यानी कि प्रमुख स्थान स्कूल बच्चों का होता है। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन दिए गए यानी क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े होते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप एक तरह का पोशाक धारण करते हैं तो किन चीजों को आप प्रदर्शित करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना था जिसमें कि ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया गया है समूह निर्देश अनुपालन का, दूसरा दिया गया है समूह की अनुरूपता का, तीसरा दिया गया है समूह की पहचान का, चौथा दिया गया है समूह आज्ञाकारिता का। तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर तीन यानी कि समूह की पहचान का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन देखिए दिए गए हैं मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन, संवेदी गामन, पूर्व परिचालन। तो इसका देखिए सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर तीन यानी कि संवेदी गामक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए थे व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है, यानी कि किनके संदर्भ में बनाई जाती है वो आपको बताना था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर तीन यानी कि विशेष शिक्षा कार्यक्रम। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका देखिए सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर तीन यानी कि 12 से 18। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो किनके द्वारा दिया गया था वो आपको बताना था जिसमें कि ऑप्शन देखिए दिए गए हैं स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, गैलटाउन के द्वारा, बीने के द्वारा। तो इसका सही आंसर देखिए होगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो भी पहला ऑप्शन दिया गया है स्टर्न के द्वारा वो बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो इसका देखिए सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर दो यानी कि विविध सोच, ये इसका सही आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया यानी क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया गया है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। इसके लिए देखिए ऑप्शन दिए गए हैं वाक्यात्मक, अभिव्यक्ति विषयक, ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक। इसका देखिए सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर तीन यानी कि ध्वनि संबंधी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसे स्थिति को कहते हैं। तो इसका देखिए सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर चार यानी कि भाषा निर्धारित, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रबी उपकरणों की मरम्मत करता है वह उपयोग करता है, यानी कि अगर कोई भी बच्चा किसी उपकरण को अपने तरह से मरम्मत करता है तो वो किन चीज़ों को उपयोग करता है वो आपको बताना था। जिसके लिए कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का, अंतदृष्टि का, कलन विधि का। तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर चार यानी कि कलन विधि का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया गया है दिव्या अक्सर निर्धारित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है वह उपयोग करती है। इसके लिए देखिए ऑप्शन दिए गए थे उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारक विधि का।
तो इसका देखिए सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कम करने की विधि का, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया गया था, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है या कथन बताता है, यानी कि किन चीजों को यह कथन बताता है वो आपको बताना था। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के उदाहरण हैं। तो इसका देखिए सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो इसके अंदर ही जो भी ग्रेडिंग, कोडिंग या फिर जो भी आप किसी बच्चे के कॉपी को चेक करते हैं, उसके बाद जो भी क्रेडिट देते हैं, तो वो इन्हीं का उदाहरण है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षक की सहायता करता है। इसके लिए देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशाली का मूल्यांकन करने में। इसका देखिए सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशाली का मूल्यांकन करने में, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो यही दोस्तों 30 क्वेश्चन थे जो कि पेपर 2 में जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि में पूछा गया था। दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों आगे इसमें जो भी अलग अलग सेक्शन के जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको आगे के वीडियो में बताया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, जो भी सीटेट 2018 का 9 दिसंबर को पेपर 2 का एग्जाम दिए थे उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने क्वेश्चंस को चेक कर लें, वो भी अपने आंसर की को चेक कर लें कि कितने क्वेश्चंस उन्होंने सही किए थे। और दोस्तों आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन उसे आप जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।